हेलो एंड वेलकम बैक टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है अगर आप एक पेंशनर हैं और आप लेने की सोच रहे हैं लोन घर बैठे, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको कैसे आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ गाइस, आज का टॉपिक है SBI पेंशन लोन। अगर आप पेंशनर हैं और किसी बड़े खर्चे के लिए फंड की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आप घर बैठे पेंशनर लोन लेना चाहते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना गाइस, और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं SBI पेंशन लोन है क्या। गाइस, SBI पेंशन लोन एक खास स्कीम है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, डिफेंस पेंशनर और फैमिली पेंशनर को उनके फाइनेंशियल जरूरतों के लिए मदद देती है। अगर मैं बात करूं SBI पेंशन लोन की खास बातें आपको क्या मिलने वाली है, तो गाइस देखिए, आपको यहां पर लो इंटरेस्ट रेट यानी केवल 11.60% पर लोन मिल जाएगा। लोन प्रोसेसिंग तेज होता है और आसान होता है, आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही कम देने होते हैं। सबसे अच्छी बात गाइस पता है क्या होती है, यहां पर अभी आपके लिए एक ऑफर चल रहा है 0% फीस में आप 30 नवंबर 2024 तक अगर लोन लेते हैं आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप 30 नवंबर से पहले पहले यहां पर लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 0% फीस पर लोन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस लोन को लेने के लिए कौन एलिजिबल होता है। नंबर एक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपकी जो उम्र है 76 साल से कम होनी चाहिए। आपका जो अकाउंट है यानी आपका जो पेंशन का अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होना चाहिए। नंबर दो, डिफेंस पेंशनर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे CRPF, BSF के पेंशनर अगर आप है तो आप भी यहां पर इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपकी जो उम्र है यहां पर भी 76 साल से कम होनी चाहिए। नंबर तीन, फैमिली पेंशनर्स, पेंशन लेने वाले परिवार के सदस्य जिनकी उम्र 76 साल से कम है वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल होता है। यानी गाइज, यहां पर अगर आप लेना चाहते हैं पेंशन लोन तो आप अगर इन कैटेगरी से आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तब आप एलिजिबल होते हैं इस लोन को लेने के लिए। चलिए अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है, और वो है जरूरी डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको क्या डॉक्यूमेंट्स यहां पर देने होंगे अगर आप पेंशन लोन लेना चाहते हैं। गाइज, SBI पेंशन लोन लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिसमें नंबर एक पर है पहचान पत्र यानी ID प्रूफ, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहां पर दे सकते हैं। नंबर दो, एड्रेस प्रूफ यानी पता प्रमाण, यहां पर आपको आधार कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर दे सकते हैं। यानी जो मैंने अभी आपको यहां बताया, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, दोनों में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। नंबर तीन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेंशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे। जी हां, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO की कॉपी आपको यहां पर देनी होगी, बैंक पासबुक जिसमें पेंशन अकाउंट की डिटेल आती हो वो आपको यहां पर देनी होगी। नंबर चार, इनकम प्रूफ, आपको यहां पर इनकम प्रूफ भी देना होगा, हाल की पेंशन स्लिप आपको देनी होगी, इनकम प्रूफ यानी जो आपकी लेटेस्ट जो पेंशन स्लिप होती है वो आपको मिली होगी, वो आपको यहां पर इनकम प्रूफ में दिखानी होगी ताकि लगे बैंक को कि भाई यहां ये पेंशनर है, ठीक है। उसके बाद नंबर पांच, गारंटर का डॉक्यूमेंट्स, यानी गाइस आपको यहां पर गारंटर देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गारंटर देने की बात करूं तो देखिए, गारंटर के आईडी और एड्रेस प्रूफ देने होंगे और गारंटर का पेंशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तब आपको यहां पर लोन मिलेगा। नंबर छह, फोटो, फोटो देना तो आपको जरूरी होता है गाइस, आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर देना होगा। नंबर सात, भरा हुआ आवेदन फॉर्म, यानी आपको यहां पर बैंक जो फॉर्म देगा उसको फिल करना होगा, सबमिट करना होगा बैंक के अंदर, ठीक है। और बैंक को सबमिट करने के बाद जब बैंक उसको वेरीफाई करेगा, अगर आपको अप्रूवल मिलता है, ठीक है, सही तरीके से फिल करना है, एक बात का ध्यान रखना आपको कोई गलत डिटेल वहां पर फिल नहीं करनी है ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो, बैंक फॉर्म को देखकर आपको अप्रूवल अगर देता है तो उसके बाद पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहां पर लोन अमाउंट और EMI की। जी हां, आप यहां पर कितना लोन ले सकते हैं और कितने EMI पर आपको लोन मिल सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पर लोन टेनर की, तो गाइस देखिए, आपको यहां पर 72 महीने तक के लिए पेंशन लोन मिल सकता है, ठीक है। आखिरी किस्त तक उम्र 78 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर दो, EMI NMP अनुपात, फैमिली पेंशनर EMI आपकी पेंशन के 33% ज्यादा नहीं हो सकती है। अन्य पेंशनर की अगर मैं बात करूं, EMI आपकी पेंशन को 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के। SBI पेंशन लोन अगर आप लेते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर 11.60% सालाना होता है। टीजरे PSU पेंशनर 11.60% से
12.10% तक जाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, अप्लाई करना बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन प्रोसेस की, तो गाइस आपको यहां पर SBI की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर योनो एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, आप पहले से कस्टमर होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आपका पेंशन अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको लोन सेक्शन में जाना होगा, जहां पर आपको पर्सनल लोन की टैब दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करना होगा। बहुत सारे लोन आपके सामने आ जाएंगे और यहां पर दिखाई देगा आपको पेंशन लोन। आपको पेंशन लोन का ऑप्शन चूज करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं गाइस, ठीक है, और अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको यहां पर कंप्लीट डिटेल फिल करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एलिजिबल होंगे, तो आपको लोन के लिए यहां पर ये ऑफर कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको आसान तरीके बताता हूं, आप डायरेक्टली ऑफलाइन प्रोसेस पर जाए, यानी अपनी नजदीकी SBI ब्रांच में जाए। ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स में से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर जाने हैं। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है और बैंक के अंदर सबमिट कर देना है। बस छोटा सा स्टेप आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई करेगा, आप एलिजिबल होंगे तो आपको लोन के लिए अप्रूवल दे देगा। ठीक है, अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर कॉल और मैसेज का ऑप्शन भी मिलता है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मिस कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप SMS भी कर सकते हैं, PERSONL लिखकर आपको इसको भेजना है 72089C33145 पर, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर आप जो है इस काम को भी कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वहां पर भी लोन के लिए ऑफर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है ध्यान देने वाली बात है, यानी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है। नंबर एक, गारंटी। गारंटी के लिए परिवार का कोई सदस्य या कोई तीसरा व्यक्ति। नंबर दो, प्रीपेमेंट चार्ज। यदि आप नया लोन लेकर पुराना लोन चुकाते हैं तो कोई चार्ज नहीं, अन्यथा 2% प्रीपेमेंट चार्ज लगता है। इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। नंबर तीन, पेनल्टी चार्ज। जी हाँ गाइज, देखिए ये बातें तो हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। पेनल्टी चार्ज भी यहां पर लग सकता है। समय पर EMI ना चुकाने पर 2.40% से 5% तक का अतिरिक्त चार्ज आपका लग सकता है। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप रीपेमेंट करें तो भाई साहब टाइम से करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो मैं जो हूं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो गाइस, SBI पेंशन लोन आपकी हर फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट समाधान है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें गाइस, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े टिप्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और समझदारी से फैसले लेते रहे। चलिए गाइज, मिलते हैं कल एक नीडू साथ। इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।